खुश आमदेद कहते हैं आपको एक बार फिर। वज़ाइफ़ का हमारे सेगमेंट आप सब देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत पसीराई भी हो रही है जनाब क़िबला मुफ्ती सुहेल अहमदी साहब के तुफैल, इनकी वजह से, और बहुत फीडबैक भी आता है अल्हम्दुलिल्लाह। और कितने ही लोग क़िबला ये कहते हैं अमली तौर पे कि उन्होंने पिछले साल आपने कोई बताया वो पढ़ना शुरू किया और फिर उसके असरात देखे उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकअल्लाह। मैं बगैर वक्त नहीं लेता मज़ीद, इस्लामाबाद से हैं फरमान साहब, कहते सारी ज़िंदगी बैरून मुल्क गुजारी, अब वापस आई हूँ तो अफसोस होता है, इसलिए कि महसूस हो रहा है कि मेरे घर वाले मेरी वापसी पर खुश नहीं हैं, इसलिए अब वो बिला रोक टोक खर्च नहीं कर पाते, लेकिन अब वो मेरे कहने में भी नहीं, यानी मानते भी नहीं मेरे, मुझे बहुत समझते हैं, मैंने इनके लिए तमाम ज़िंदगी मेहनत की, अब ये मुझे बहुत समझते हैं, कोई दुआ बताएं कि ये मेरे फरमा बरदार बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबीही व बारिक व सल्लम। सबसे पहले तो वसीम भाई मैं कहूँगा कि मेरा इतना हिस्सा नहीं है, आपका है, स्टीयरिंग आपके हाथ में है, और जाहिर है कि डॉक्टर अली इमरान साहब हैं माशाल्लाह, पूरी मैनेजमेंट है सबका हिस्सा, कहीं कमी होती तो हमारा है और अच्छा है तो हमारे इस इदारे का है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसे कायम व दायम रखे। अच्छा, ये जो मसला है ना फरमान साहब का इस्लामाबाद से, मेरा चूँकि बाज़ औक़ात लेक्चर्स के लिए बाहर जाना होता है, ठीक, असल में वहाँ पर जो शख्स इन जवानी के आलम में चला जाता है ना घर वालों को छोड़कर, शादी हुई घर वालों को छोड़कर चला जाता है, फिर वो 30-35 साल लगाकर जब वापस आता है ना, तो बाज़ औक़ात उसके हाथ में इलावा दौलत के कुछ नहीं है। है क्या, आपने अजीब जुमला कहा, इलावा दौलत के कुछ भी नहीं होता। है, है, मैं आपको कहूँ कि मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कहीं एक जुमला पढ़ा कि कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं, उनके पास सिर्फ पैसा होता है जी, सिर्फ पैसा होता है, और कोई रिश्ता नहीं होता उनके पास, और कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं कि जिनके पास पैसा ना भी हो लेकिन सारे रिश्ते नाते मौजूद होते हैं। मैं एक जगह मस्जिद में मैंने लेक्चर दिया, 2017 की बात है गालिबन, तो एक शख्स था जिसके मुतालिक ये मशहूर था कि ये यहाँ इस सिटी में ना सबसे खुश नसीब आदमी है, इसकी इतनी प्रॉपर्टी है, ये है वो है। तो लेक्चर के बाद जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ, वो शख्स मेरे पास आया, उसने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता ये वही है। अच्छा अच्छा अच्छा, कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा बोले, कहा नहीं, आप जहाँ पर ठहरे हुए हैं मैं वहाँ पर आऊँगा, मुझे आपसे बात करनी है। अलगर्ज़ जब वो मेरे पास आया ना, आप यकीन करें कि वो फूट फूट कर पहले रो दिया, ये मैं इबरत के लिए सुना रहा हूँ, मुझे भी रोना आया। मैंने क्यों रो रहे हो आप? कहा कि ये सब समझते हैं कि मैं सबसे बड़ा खुश नसीब हूँ, लेकिन मुफ्ती साहब मैं कसम खा कर कहता हूँ कि मुझसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं है। अरे 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 अरे, उसने मुझे गिनवाया कि मेरी यहाँ पर इतनी प्रॉपर्टी है, मेरी पाकिस्तान में इतनी प्रॉपर्टी, मैं बैठ कर खाऊँ पूरी ज़िंदगी, मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता। क्या हुआ क्या? कहा बस कमाने के चक्कर में घर वाले भी हाथ से गए, आज औलादें मुझे पूछती नहीं हैं। आप यकीन करें कि वो फूट फूट कर इस तरह बच्चों की तरह रो रहा था। आए, आए। तो ये ज़रा ख़ास ख्याल रखें कि जब आप बाहर जाते हैं ना, तो आपके बच्चे इन नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, आए, आए। ये तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है। यहाँ फितने से मुराद फितना ना, मैं ये पूछ रहा था, आजमाइश, फितने का मतलब, अच्छा, आजमाइश है, सही, इम्तिहान है। अच्छा अच्छा। और अरबी में एक जुमला कहा जाता है कि इंदल इम्तिहान युक्रमुल मरउ औ युहान, इम्तिहान के वक्त या तो आदमी कामयाब हो जाता है या फिर नाकाम हो जाता है। तो जो भी बाहर जाते हैं, मैं नहीं कहता आप ना जाएं, हाँ, आप बिल्कुल जाएं, अपनी अपना फ्यूचर ब्राइट करने के लिए बिल्कुल जाएं, लेकिन अपने घर वालों को अपनी फैमिली को गाहे बगाहे वक्त दें, वरना वक्त आएगा कि जब आप चाहेंगे कि ये फैमिली मेरे पास बैठे, आप चाहेंगे ये औलाद मेरे पास बैठे, ये बीवी बच्चे मेरे पास बैठें, कोई आपके पास बैठने को तैयार नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला मेरे भाई आप पर बहुत करम फरमाए, और आप जैसे जितनी भी फैमिलीज़ हैं, जितने भी अफराद हैं, सब पर करम फरमाए। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला से दुआ करना ना भूलें, सही है। नमाज की पाबंदी रखें और अल्लाह ताला से दुआ, क्योंकि जिसके पास कुछ भी नहीं है ना, जिसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके पास सबसे बड़ा हथियार है जो मेरे रब ने और मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहादीस करीमा में हमें अता फरमाया,
और फरमाया कि दुआ को मामूली ना समझना, दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ जमीन और आसमान का नूर है, दुआ ये फरमाया कि दीन का सुतून है, दुआ इबादत का मगज है। हम में से बहुत से लोग कहते हैं कि हम दुआ क्यों करें, वसीम भाई दुआ क्यों करें भाई, अल्लाह ताला देख रहा है ना हमें, वो देख लेगा। नहीं, मल्ला यदउनी अग़दिब अलैही, अल्लाह रब्बुल आलमीन हदीस से कुदसी में इरशाद फरमाता है, जो मुझसे दुआ नहीं मांगता तो मैं उस पर गज़ब फरमाता हूँ। अच्छा अच्छा, ला, ला। दुआ तो हर वक्त हर आन मांगनी चाहिए। अच्छा, अच्छा, जी जी जी। अच्छा, इसके बाद मैं आपको एक बड़ा अजीब व गरीब वजीफा दे रहा हूँ और फिर एक दुआ भी दे रहा हूँ जो कुरानी दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जितनी दुआएं हैं कुरान हदीस में है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो है हज़रत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्योंकि सूरह आले इमरान की आयत नंबर 191 से लेकर 194 तक 5 मरतबा रब्बना आया है। तो फरमाया कि जब दुआ मांगो ना तो दुआ मांगने से पहले या रब्बना 5 मरतबा कहो। वाह वाह। अच्छा, छठी मरतबा आया फस्तजाब लहुम रब्बहुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी दुआ कबूल फरमाई, फस्तजाब हो गई। हां, तो फरमाया हो नहीं सकता कि तुम गिड़गिड़ा कर रब्बना कहो उसके बाद दुआ मांगो और दुआ कबूल ना हो, ये हो नहीं सकता। ये दुआ है कुरान की सूरह फुरकान की आयत नंबर 74 है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। ए हमारे रब, हमारे पालने वाले, हमारी अजवाज और औलाद की तरफ से आंखों की ठंडक फरमा, अल्लाह अकबर, और हमें साहिबान तकवा का पेशवा बना दे। ये दुआ आप हर नमाज के बाद 11-11 मरतबा पढ़ लें, इसके तर्जमे पर गौर करते हुए, और रब्बना मत भूलिएगा। आप देखें कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह कुछ अस्बाब भी इख्तियार करें, कोताहियाँ हैं तो उसे दरगुजर करें, माफ़ी मतलब उससे माफ़ी मांगें, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप देखें कि आपके घर वाले आपके साथ बहुत अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह, बहुत नवाज़िश क़िबला जनाब मुफ्ती सुहेल हमदानी साहब हमारे साथ थे। एक वक्फे के बाद उलमाए कराम की नशिस्त है, आपने सवालात भेजिए, उलमाए कराम से सवालात पूछते हैं इंशाल्लाह।